नमस्कार, आईवीएन भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। कोरोना महामारी ने पूरे साल कोहराम मचाया रहा। अभी दुनिया के देशों में नए वैक्सीन की कवायद चल ही रही है। इसी बीच ब्रिटेन में कोरोना का नया स्ट्रेन सामने आया है, जिसे लेकर लोग दहशत में हैं। भारत सरकार ने ब्रिटेन से आने वाली सभी फ्लाइटों पर 31 दिसंबर तक रोक लगा दी। इसके पहले यूरोप और दुनिया के कई दूसरे देशों ने भी ब्रिटेन से आने वाली फ्लाइट्स पर अस्थायी तौर पर रोक लगाने का फैसला लिया है। ब्रिटेन से आने वाले हर यात्री का आरटीपीसीआर टेस्ट एयरपोर्ट पर किया जाएगा। यह फैसला 22 दिसंबर रात 12 बजे से ब्रिटेन से आने वाली सभी उड़ानों के लिए लागू होगा। ऐसा क्यों हुआ है अब बताने की जरूरत नहीं है। भारतीयों को डर था कि दोनों देशों के बीच विमानों की आवाजाही और पैसेंजर के आने जाने की सहूलियतों की वजह से नए स्ट्रेन का कोविड-19 वायरस भारत पहुंच जाएगा। यह चिंता जायज थी, क्योंकि जनवरी के बाद भारत में कोरोना के तेजी से फैलने के पीछे विदेश से यात्रा कर लौटे लोगों को बड़ी वजह माना गया था। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, केरल, राजस्थान समेत कई राज्यों में कोरोना के शुरुआती मरीज विदेश यात्रा से भारत लौटे लोग ही थे। उस वक्त कई जानकारों ने आरोप लगाया था कि विदेश से लौटने वालों पर भारत सरकार ने पाबंदी देरी से लगाई थी। और जब इस बार ब्रिटेन में कोरोना का नया स्ट्रेन सामने आया है, तो सबसे पहले दिल्ली और राजस्थान के सीएम ने ट्विटर पर अपनी चिंता जाहिर की और ब्रिटेन से आने वाले फ्लाइट्स को तुरंत रोकने की मांग की है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्विटर पर भारत सरकार से अपील करते हुए लिखा कि ब्रिटेन में वायरस का नया स्ट्रेन सुपर स्प्रेडर के तौर पर पेश आ रहा है। केंद्र सरकार को तत्काल प्रभाव से ब्रिटेन से आने वाली विमानों पर रोक लगानी चाहिए। वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार को इस बात पर आगाह करते हुए दो ट्वीट किए। उन्होंने कहा कि भारत सरकार को त्वरित कार्रवाई करते हुए इस बारे में प्लान तैयार करना चाहिए और ब्रिटेन समेत दूसरे यूरोपीय देशों से एयर बबल करार, ध्यान दीजिएगा, एयर बबल करार को रोक देना चाहिए। यहां इन्होंने ब्रिटेन से सिर्फ फ्लाइट्स रोकने की बात नहीं की है, बल्कि इन्होंने ब्रिटेन समेत दूसरे यूरोपीय देशों से एयर बबल करार को रोकने की बात कही है। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि आखिर यह एयर बबल करार क्या है। एयर बबल करार एक खास तरह का एयर कॉरिडोर होता है, जिसके जरिए दो देश आपसी सहमति से हवाई यात्रा करने का समझौता करते हैं। कोरोना के कारण अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर पाबंदी लगी हुई है। ऐसे में एयर बबल के जरिए कोई भी दो देश जरूरी शर्तों को ध्यान में रखते हुए एयर बबल्स के जरिए अंतरराष्ट्रीय उड़ानों की मंजूरी दे सकते हैं। ऐसे में यह खतरनाक साबित हो सकता है और शायद इसीलिए राजस्थान के सीएम ने एयर बबल करार को भी रोकने की बात की है। आपको बताते चलें कि यह एयर बबल करार भारत ने ब्रिटेन समेत 23 देशों के साथ किया है। ऐसे में लोग इस नई मुसीबत को लेकर पैनिक हैं और किसी भी कीमत पर इसे भारत नहीं आने देना चाहते। इस बात की गंभीरता को सरकार ने भी समझा और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि ज्यादा पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। और क्या कुछ कहा उन्होंने, जरा ध्यान से सुनो। मैं सिर्फ आपसे सबसे ये कहूँगा कि अभी ये सब इमेजिनरी सिचुएशंस, इमेजिनरी बातें, इमेजिनरी पैनिक, इन सब के अंदर आप अपने आप को मत उलझाइए। सरकार हर बात के लिए पूरी तरह से सजग है और जैसे पिछले एक साल में आपने देखा कि सरकार ने आवश्यकता के अनुरूप जनता के हितों की रक्षा करने के लिए जो जो जिस जिस समय पर आवश्यकता किया, वो सारी चीज़ें सरकार देख रही है। लेकिन अभी अगर मुझसे आप पूछे तो कोई इतना पैनिक का कोई कारण नहीं कि जितना हम पैनिक अगर आज अगर अपने
इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल की बजाय अगर यह शुरू कर देंगे तो शायद फिर जबरदस्ती जरूर पैनिक फैल जाएगा। डॉक्टर हर्षवर्धन इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे, जहां इन्होंने ये बातें कही। भारत में आज की तारीख में तकरीबन 3 लाख कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं। पिछले 24 घंटों में 25,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। फिलहाल देश में 95% से ऊपर रिकवरी रेट है। अब हम आपको बताते हैं कि यह कोरोना की नई किस्म क्या है और इससे क्या नुकसान हो सकता है। इस किस्म के बारे में वैज्ञानिकों का मानना है कि इसमें कम से कम 17 महत्वपूर्ण बदलाव हैं। सबसे महत्वपूर्ण बदलाव स्पाइक प्रोटीन में आया है। ये वो प्रोटीन होता है जिसका इस्तेमाल वायरस हमारे शरीर की कोशिकाओं में घुसने के लिए करता है। ब्रिटेन के स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि वायरस की ये नई किस्म पहले वाली किस्म के मुकाबले 70% ज्यादा संक्रामक है। नए स्ट्रेन को लेकर सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि जिन वैक्सीनों को लगाना शुरू किया जा चुका है, क्या वो इस नए स्ट्रेन के खिलाफ भी असरदार होंगी या बेअसर हो जाएंगी। वैज्ञानिकों का कहना है कि अभी इसके बारे में चिंता का समय नहीं आया है, क्योंकि अमूमन वैक्सीनें शरीर के इम्यून सिस्टम को वायरस के कई पहलुओं से लड़ने के लिए तैयार करती हैं। ऐसे में अगर वायरस के कुछ हिस्सों में म्यूटेशन भी हो जाता है तो भी संभव है कि वैक्सीन उसका मुकाबला कर लेगी। लेकिन सजग रहने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर वायरस पूरी तरह से म्यूटेट हो गया तो संभव है कि वैक्सीन उसके आगे बेअसर हो जाए। तो इस कार्यक्रम में आज तक के लिए इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।